मेरा नाम है संजय शाद है और मैं जो है वो बाय प्रोफेशन एक एडवेंचर कुक हूँ। ओवन के बगैर भी पिज़्ज़ा बना सकते हैं, स्टोव के ऊपर, चूल्हे के ऊपर। मैदा चाहिए, ऑल पर्पस फ्लोर 400 ग्राम है। यीस्ट चाहिए, शुगर चाहिए, आपको सॉल्ट चाहिए और आपको मिल्क चाहिए। डो के लिए 2 चाय के चम्मच इसमें यीस्ट चाहिए होगा। आप हल्का सा ऑयल भी डाल लें डो में, डो बनेगी तो ज़्यादा क्रिस्प क्रिस्प भी रहेगी डो। खमीर भी तैयार हो गया, तो हम इसको अब डो के अंदर आहिस्ता आहिस्ता डाल के नीड करना शुरू करेंगे डो को। आपके हाथों पर स्टिक होना बंद हो जाएगी। फिर इसको हम रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, तो ये आराम से राइज होगी। शिमला मिर्च हो गई, ऑनियन हो गया, ऑलिव्स की टॉपिंग करेंगे, साथ में हम मशरूम भी ऐड करेंगे। हाथों से ही मैश करके आपने ये बॉईल हो गए हैं तकरीबन। आहिस्ता आहिस्ता ये और नरम होके सॉस इनका बनता रहेगा। 2-3 पिंचेस सॉल्ट आपने डालना है, ठीक है, फ्लेवर के लिए। थोड़ी सी ब्लैक पेपर 2-3 पिंचेस, ओरिगैनो और बेजल डालना है आपने। अब हम चिकन प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले पैन में ऑयल डालेंगे, ठीक है। 6-7 मिनट तक इसको पका के चिकन को हम इसको रख देंगे। अच्छा, सॉस तकरीबन हमारा रेडी है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख ये देखें, आपका इतना थिक होना चाहिए सॉस, ठीक है। हमारा ये तकरीबन चिकन भी ऑलमोस्ट रेडी है, तो अच्छी तरह से राइस हो चुकी है। पैन को ऑयल लगाया और उसके बाद जो हमने डो के लिए जो पिज़्ज़े का वो बनाई थी रोटी ब्रेड की, उसको हमने पैन के अंदर लगा दिया ऑयल लगा के। हमने उस तरह इसको कवर करके अच्छी तरह, इससे ये होगा कि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, नमी है, वो इस कपड़े के अंदर जज्ब हो जाएगी, वो पिज़्ज़े के ऊपर नहीं जाएगी। चावलों को दम जिस तरह घर में दिया जाता है, तो उससे थोड़ी सी तेज़ आग हो। इसको 10 से 11 मिनट हो गए हैं। नीचे से बेसिकली चेक ये करना है आपने कि नीचे से जले ना और डो हार्ड ना हो और तकरीबन डो पक चुकी हो। सिर्फ एक जो कमी है वो रह जाती है, टॉप से क्रस्ट नहीं आती, जो कि ओवन में एक क्रस्ट आती है, तो वो दूसरा मेथड है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये वाला पिज़्ज़ा परफेक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, जो पहले वाले मेथड में कमी रह जाती है, टॉप से क्रस्ट नहीं आती, तो इस मेथड में वो भी आ जाती है।